जैसा कि देवभूमि न्यूज ने आज से 3 महीने पहले आपको आगाह किया था, सोशल ट्रेड बिज का आखिरकार भांडाफोड़ हो गया है। आपको अवगत करा दें कि 20 अक्टूबर 2016 को एक स्टिंग के माध्यम से देवभूमि न्यूज ने इस खबर को सर्वप्रथम प्रमुखता से छलाया था। देवभूमि न्यूज ने इस कंपनी के फ्रॉड होने के अंदेशों के बारे में जनता को अवगत कराया था और जनता से अपील भी की थी कि ऐसे चालबाजों से सावधान रहें। लेकिन जनता इस बार फिर स्पीक एशिया की तर्ज पर मूर्ख बनी। हालांकि देवभूमि न्यूज ने इस बाबत पीएमओ, गृह मंत्री, सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश समेत तमाम आला अधिकारियों को ट्वीट कर इस कंपनी के बारे में अवगत कराया था। गौरतलब है कि देवभूमि न्यूज ने पहले आकलन कर लोगों को अवगत कराया था कि ये फ्रॉड कंपनी आगामी मार्च 2017 तक भाग जाएगी। देवभूमि न्यूज के अनुसार 1 महीने पहले ही कंपनी का फर्जीवाड़ा सबके सामने आ गया। और दूसरी बात, हमने ये भी जनता के सामने तथ्यों के आधार पर रखी थी कि कंपनी लगभग 10 लाख लोगों को अपना टारगेट बनाएगी और हुआ भी यही। जिस हिसाब से कंपनी का 3700 करोड़ का स्कैम सामने आया है, उस हिसाब से आकलन बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। जब 3 माह पहले हमने इस घटना का आकलन कर पूरे सबूतों के आधार पर लोगों को और तमाम अधिकारियों को इस बाबत अवगत कराया था, यदि उसी समय शासन प्रशासन ने इस बार पर ध्यान देकर एक्शन लिए होते तो कंपनी आज 3700 करोड़ का स्कैम न कर पाती और न ही इतनी बड़ी तादाद में लोगों की फजीहत होती। और आज इंडिया का, आज विदेशी कंपनी आती है इंडिया में कितना कारोबार करते, क्या हमने कभी बोला? लेकिन ये इंडिया की कंपनी है, इंडिया के लोगों को रोजगार दे रही है और आज लाखों लोगों 12 लाख 10 से 12 लाख लोगों की जिंदगी चेंज कर दी है। हमने पैसा दिया एनएफटी के थ्रू, 1 नंबर पैसा दिया, कोई 2 नंबर पैसा लेता नहीं। बकायदा 15% गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स दिया, ठीक है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, ठीक है, जो आज गाजियाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसके कंपनी को इतना बड़ा गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया, टीडीएस दिया, हमारे टीडीएस दिसंबर तक हमारे पूरा जमा है और सब कुछ हमारे पास पेमेंट आ चुका है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आज बहुत सोशल ट्रेड के प्रति 12 लाख लोग को जिंदगी जुड़ी है और हम तो चाहते हैं सोशल ट्रेड जिंदगी भर चले और हम सोशल ट्रेड के साथ सपोर्ट।